आज मैं फिर से बहुत ही कमाल के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट टिप हमारी ये है कि ये है जेम्स की बोतल। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं तो इसमें ये इस तरह की जेम्स की बोतल लाते हैं, तो वो जब खाली हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि आज मैं इसको यूज़ करना बताऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये हुक है जो ब्लाउज के लगाते हैं, तो इसको हम निकाल कर इस थैली के अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हुक इधर उधर बिखरेगा नहीं और दूसरा ये बोतल भी काम आ जाएगी और हमें ये हुक है जो आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें हम सुई भी डाल सकते हैं, जो छोटे वाली सुई होती है, तो ये बहुत ही सेफ्ट है। इससे बोतल भी बहुत ही अच्छे से काम आ जाती है और ये हुक है ना, ये भी बहुत ही आसानी से हमें मिल भी जाती है और इधर उधर बिखरेगे भी नहीं। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स ये है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और नारियल का तेल हम यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस बोतल के अंदर ही जम जाता है और निकलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कई बार गैस के ऊपर गर्म करते हैं जिससे बोतल जल जाती है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक भगोना लेंगे, उसमें गर्म पानी करके इस बोतल को 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये जो तेल है ना, ये बहुत ही आसानी से गर्म हो जाएगा और यहाँ पर गर्म होने के बाद हम इसको यूज में ले लेंगे और पानी को हमें गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको। तो अब मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ कि मैंने सिर्फ 2 मिनट ही रखा है इसको इसके पानी के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए नारियल का तेल पिघल चुका है और आसानी से निकल गया है। तो आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। आई होप कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट टिप फेविक्विक को लेकर है। फेविक्विक होती है ना, वो अगर चिपक जाती है तो इसको उतारना कितना कठिन होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे फेविक्विक चिपकी हुई अंगुली को आसानी से उतार दूंगी, तो आप ये ट्रिक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए कितना टाइट पकड़ के रखी है इसने, अगर हम इसी तरीके से उतारेंगे तो चमड़ी भी साथ में आ जाएगी। तो इसको ऐसे नहीं उतारना, मैं बता रही हूँ, किसी को भूलवश से भी ये फेविक्विक किसी के हाथ पे ना चिपके। अगर ये चिपक जाए तो इसका छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम करेंगे गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी करके, और इस ऐसे इस अंगुली को इसके अंदर रखेंगे 5 मिनट तक, और 5 मिनट के बाद ये अपने आप छूट जाएगी। तो यहाँ देखिए ये छूट गई है, कितने भी मतलब टाइट एकदम चिपकी हो, और फेविक्विक से ज़्यादा कोई टाइट चिपक ही नहीं सकती। तो आप देख सकती हैं गर्म पानी गुनगुने में आराम से निकल जाती है ये। और अब ये जो खुरदरापन रह जाता है ना इसका फेविक्विक का, तो इसका भी हम इस नमक के साथ उतारेंगे। तो यहाँ पर हम नमक ले लेते हैं और ऐसे एक अंगुली से और अंगूठे से इसको रगड़ेंगे, जिससे ये जो फेविक्विक हमारे हाथों पर चमड़ी के साथ चिपकी रहती है ना, वो भी आसानी से छूट जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम अच्छे से और सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल क्लीन क्लीन हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे ये चिपकी नहीं थी। और ध्यान रखिए ये फेविक्विक किसी के ना चिपके, भूलवश से भी। और ये देखिए इस तरीके से एकदम क्लीन हो गई है। नेक्स्ट टिप हमारी पपीता को लेकर हैं। पपीते से आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पपीता अगर आपके पास गला हो तो ले सकते हो, अगर सही लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, अगर इसके छिलके लेते हो तो वो भी अच्छा है, आप कैसा भी पपीता यूज में ले सकते हो इसके लिए। तो मैं यहाँ पर इसके छिलके को यूज़ में लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस पपीते के सारे छिलके उतार लिए, बीज इसका अलग निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे मिक्सी का जार और इस मिक्सी के जार के अंदर इस पपीते के छिलकों को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं, अब इस एक कटोरी में डाल देते हैं। तो ये इस कटोरी में एक कटोरी और लेती हूँ, तो हाफ हाफ कर लेंगे हम। तो पहले जो ये कटोरी है इसका मैं जो आधा रखा है इसका मैं आपको बाद में यूज़ करना बताऊँगी, पहले इसका हम यूज़ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब पपीते के छिलके ले लिए और अब हम लेंगे खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा लेंगे 1 चम्मच, और अब इसमें हम डालेंगे हारपिक, और हारपिक को डालकर इसको चम्मच से अच्छे से मिला देंगे, और 1 चम्मच हम पानी डाल देते हैं। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे, यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड्स,
और अब हम हमारे घर पर जो कांच के बर्तन होते हैं ना, उनकी चमक चली जाती हैं, या फिर जो स्टील के बर्तन होते हैं वो अंदर से जल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये चिमटा, ये अंदर से जला हुआ है, तो इसको हम क्लीन करेंगे इस पपीते के पेस्ट से। तो यहाँ पर ये देखिए, कांच के बर्तन को मैंने इस पे लगा दिया है और ऐसे ही हमने चिमटे पर लगा दिए हैं। अब इसे इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के बाद ये देखिए, कांच की जो बाउल है उनकी चमक वापस से लौट आई है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं ये चिमटे को साफ़ करके दिखाती हूँ आपको। ये सिर्फ पपीते के छिलके का बना पेस्ट और है, ये हार्पिक वाला ही पेस्ट है, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं लगाया अभी तक। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको ज़्यादा ऐसे इस तरीके से रगड़ेंगे ना, तो यहाँ ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है चिमटे की, और ये एकदम साफ़ हो जाएगा। तो अब मैं इसको वॉश करके दिखा देती हूँ चिमटे को। तो ये देखिए पहले से कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से हम जो चोकर होता है ना, उसको साफ़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो इस चोकर के ऊपर तेल वगैरह लगा होता है ना, और ये फंगस वगैरह आ जाती है, तो इससे एकदम क्लीन हो जाएगा ये पपीते का जो पेस्ट है। और इसके साथ डालेंगे हम डिश वॉश और इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल नए जैसा लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं वॉश करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब हम जो हमारा जो पेस्ट बचा था ना, उसका मैं यूज़ करके आपको बताती हूँ कि इसका हमें क्या करना है। तो इसको हम एक चम्मच इसके साथ हम मिला लेंगे दही, और इसको अच्छे से मिला लेंगे इस पेस्ट को, दही और ये पपीते के छिलके दोनों को अच्छे से मिक्सन को मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपने फेस पे लगाएंगे। तो इसको फेस पर लगाने से फेस पर इतनी चमक आ जाती है, और अपनी जो डेड स्क्रीन होती है ना, वो सारी गायब हो जाती है, और फेस एकदम चमक मारने लग जाता है। तो इसको इस तरीके से, जैसे मैं हाथ पर आपको करके बता रही हूँ, उसी तरीके से हमें फेस पे लगाना है। तो यहाँ पर आप मेरी हैंड को देखकर ही बता दोगे कि फेस पर कितनी चमक आएगी इससे। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट तक हल्के हाथों से अपने फेस पे रगड़ना है, यानी मालिश करनी है, और उसके बाद साफ पानी से वॉश कर लेना है। और ऐसा लगेगा जैसे फेसियल अभी करा के आई हैं पार्लर से। तो आई होप कि ये सारी टिप आज की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर ये सारी टिप पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा हैंड कितना चमक मारने लग गया है, आप देखकर बता सकते हो। तो इस तरीके से हम पपीते के छिलकों को भी यूज़ में ले सकते हैं अपने फेस पे लगाकर, और फेस का ग्लो बढ़ा सकते हैं। और ये जो बाकी बचा है पेस्ट, इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। नेक्स्ट टिप आटे को लेकर है। जब भी हम आटा गूंथते हैं तो हम पलथन क्या करते हैं, परात में लेते हैं, उससे आटा चारों तरफ बिखर जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लेंगे डिब्बा, उसके अंदर मैंने ये पलथन डाल दिया है, और उसके अंदर हम लोई बनाकर इस तरीके से रोटी को बनाएंगे, जिससे चारों तरफ परात में आटा फैलेगा भी नहीं, और बहुत ही आसानी से हम रोटी को बना लेंगे। और जब सारी रोटियाँ बन जाएगी तो हम इस डिब्बे को ढक्कन लगाकर वापस से रख देंगे, और नेक्स्ट दिन इसको यूज़ में ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, है ना अच्छा जुगाड़। इसकी जगह हम बेकार पड़े पाउडर या फिर वेसलिन के डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। वेसलिन या पाउडर के डिब्बे को अच्छे से वॉश करके उसमें आटा या मैदा डालकर इसी तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सारी टिप आपको कैसे लगी, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ये टिप आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब